अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, बिटकॉइन के हवाले से। बिटकॉइन की प्राइस हमें काफी दिन से 66,000 पे नजर आ रही है और पिछले एक वीक में प्राइस जो है वो 71,000 से 65,000 तक गिरी है। अब बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? क्या यहाँ से मार्केट बेरिश होगी? क्या यहाँ से मार्केट बुलिश होगी? फंडामेंटली अगर देखते हैं तो पिछले हफ्ते में जो न्यूज आई है वो सारी की सारी न्यूज ऑलमोस्ट क्रिप्टो करेंसी को लेके बुलिश थी कि क्रिप्टो करेंसी बुलिश होगी, लेकिन उसके बावजूद मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है, डाउन आई है। रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को लिक्विडेट करना। इसके अलावा इस मार्केट में इतने बड़े डिप का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि 65,000 पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स में लिक्विडेशंस मौजूद थी जिनको लिक्विडेट करना था। अभी अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इस टाइम पे न्यूट्रल आ चुका है। लास्ट वीक जब मैं वीडियोस बना रहा था तो उस टाइम पे आपको याद हो तो 63-64 पे था यहां पर ग्रीन वाले एरिया में, लेकिन इस टाइम पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो न्यूट्रल में आ चुका है और 54 पे इस टाइम पे मौजूद है। बिटकॉइन के मुतालिक अगर बात करते हैं तो BTC की जो यहाँ पर प्राइस इस टाइम पे चल रही है 66,617 है। कल ग्लोबल मार्केट का पहला दिन होगा, मार्केट ओपन होगी और इसके बाद आपको मार्केट में बुलिश और बेरिश दोनों सूरते हाल देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जो इस टाइम पे टेक्निकल एनालिसिस बता रहे हैं उसके मुताबिक मार्केट अगले एक हफ्ते में बुलिश होने वाली है और यहां से हम एक नए हाई की तरफ जा सकते हैं। ये मार्केट यहां से रिकवरी फेज की तरफ जा सकती है। हम यहां पर आते हैं, 4 घंटे की कैंडल मैंने ओपन की हुई है। 4 घंटे की कैंडल में यहां पर हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। RSI हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जा रहा हो और मार्केट लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आ रही हो, ये डाइवर्जेंस होती है, बुलिश डाइवर्जेंस होती है। यहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, यहां से मार्केट रिवर्स हो जाती है। इसके लिए मैं आपको यहां पर ये दिखा भी देता हूं, ये बेरिश डाइवर्जेंस है जिसमें RSI लोअर हाइज लोअर लोज बनाती हुई नीचे आती है, प्राइस ऊपर को जा रही होती है, बेरिश डाइवर्जेंस होती है जिसे हिडन डाइवर्जेंस कहते हैं, मार्केट यहां से नीचे गिर जाती है। लेकिन अगर RSI ऊपर को जा रहा हो, मार्केट नीचे को आ रही हो, बुलिश डाइवर्जेंस होती है, यहां से मार्केट हमेशा ऊपर जाती है। तो हमारे पास 4 घंटे में यहां से अगर हम काउंट करना देखते हैं इस जगह से, तो यहां पर ये हमारा लोअर लो है, हायर लो, ये हमारा ये लोअर आ गया है लो, उसके बाद जनाब ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा इसके बाद लोअर हाई है, ठीक है, ये हायर हाई है, ये हमारा लो था, हायर हाई हायर लो, अगला हमारा हायर हाई होगा। यहां से मार्केट में ये जो लो है ये लोअर लो है, उसके बाद अगेन यहां पर लोअर लो है, ये ऊपर वाला लोअर हाई है, तो मार्केट यहां से नीचे आ रही है और RSI ऊपर जा रहा है, आपकी बुलिश डाइवर्जेंस है, इसके बाद मार्केट पंप होती है। दूसरी चीज मैं आपको यहां पर ये दिखा दूं, हम 1 डे के चार्ट में जाते हैं। 1 डे के चार्ट में मैं जाके आपको दिखाना चाहता हूं कि मार्केट यहां से क्या बिहेव कर रही है। इस जगह पर अगर हम थोड़ा सा इसको क्लोजली देखते हैं तो मार्केट में यहां पर आके क्लोजिंग हुई 66,000 से ऊपर, मार्केट यहां से नीचे आई है 65,152, ये लो था, ये वाला लो था। इसके बाद यहां पे इस कैंडल के नीचे लोगों की लिक्विडेशंस थी, लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, मार्केट यहां से ऊपर गई है जब, तो यहां पे नीचे लोगों ने, जिन लोगों ने एंट्रीज ली थी उनके इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस थे, ये वाली जो कैंडल है मैं इसको मार्क कर देता हूं, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस थे। अब इन स्टॉप लॉसेस को हंट करना था मार्केट ने इस जगह पर आकर, तो यहां से मार्केट नीचे आई, स्टॉप लॉस लोगों के हंट किए, वापस मार्केट ऊपर चली गई। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो इस टाइम पे जो मार्केट चल रही है, इस टाइम पे मार्केट हमारी 66,000 से ऊपर इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, अगली कैंडल हमारी इसके ऊपर बनी, उसके बाद उससे अगली कैंडल ऊपर बन गई है और यहां पर आज की कैंडल भी ऊपर क्लोज होगी, ग्रीन में क्लोज होगी। तीसरा दिन है हम 66,000 की स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं। यहां पर ये वाला हमारा लेवल है जिस पे मार्केट रुकी, यहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली, यहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली, यहां पे मार्केट को रिजेक्शन मिली, यहां पे मार्केट को रिजेक्शन मिली, यहां पे एक सपोर्ट मिली स्ट्रांग, यहां से मार्केट इस कैंडल पे रिजेक्ट हुई हुई है, यहां से मार्केट इस जगह से सपोर्ट हुई, यहां पे मार्केट इस जगह पे सपोर्ट पकड़ी। ये हमारी एक स्ट्रांग लाइन है जिस लाइन को डिफेंस लाइन कह सकते हैं और इस टाइम पे BTC अपने डिफेंस लाइन पे मौजूद है और यहां से वापस मार्केट मूव कर सकती है कमिंग वीक में, और कमिंग वीक में आप लोगों को मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि कल हफ्ते का पहला दिन होगा।
तमाम तर लोग इसको देखते रहे। इसके साथ जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, मेजर ऑल्ट कॉइन्स जितने भी, स्पेशली टॉप 10 इथीरियम, इथीरियम बीटीसी के साथ पंप करेगा। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 54 पे है, इथीरियम बीटीसी के साथ पंप करेगा। बीएनबी पंप करेगा, सोलाना पंप करेगा, एक्सआरपी पंप करेगा, डॉज कॉइन बीटीसी के साथ हमेशा पंप करता है, मोस्ट प्रोबेबली टॉन कॉइन भी पंप करेगा, एडीए पंप करेगा। लेकिन बीटीसी के साथ जो ऑल्ट कॉइन्स हैं ये थोड़े पंप करेंगे। जब बीटीसी पंप होगा उसके बाद बीटीसी से पैसा निकल के ऑल्ट कॉइन्स में आएगा, फिर ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे। एक हफ्ता अगर बीटीसी पंप करता है तो उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हैं। लेकिन बीटीसी जब पंपिंग कर रहा होता है तो बीटीसी के साथ साथ कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो बीटीसी को फॉलो करते हैं, वो सब बीटीसी के साथ साथ पंपिंग जरूर करते हैं। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल मिस्टर कासिम भट्टू को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।